हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन के थ्रू हम कवर अप करने जा रहे हैं अपनी 10th बुक का रिव्यू, इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसको शॉर्ट कोड में हम IR बोलते हैं। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल रिलेशन काफ़ी डाइवर्सिफाइड टॉपिक है, न्यूज़ रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, और हमने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि UPSC सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो आपकी द मैराथन ऑफ UPSC कॉमर्स ऑप्शनल बुक हैं, ठीक है, ये बुक का मैं कंप्लीट आपको हर एक बुक का ओवरव्यू कराऊंगी। आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं और हमने 9 बुक्स का जो है एक इमेज व्यू ऑलरेडी ले लिया है। ये हमारी 10th बुक है, ठीक है, लास्ट बुक है IR की। ठीक है, तो हम इसकी जर्नी के थ्रू आ जाएंगे ताकि आप डिसीजन मेकिंग ले सकें कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए इस बुक को कैसे रेफर करना है। ठीक है, तो ये हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की बुक है जिसको हम शॉर्टकट में IR बोलते हैं। तो हम सेम स्ट्रैटेजी के थ्रू चलेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा सिलेबस और देखेंगे क्या वो कवर्ड है कि नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो है मीनिंग, नेचर, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ IR, जिसको इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर में कवर अप किया गया है। हम उसे अभी आपको डिटेल में भी दिखा देंगे ताकि आप इसे देख सकें कि सारे पॉइंट कवर हैं या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन लेजिस्लेशन, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो ये आपका कवर्ड है आपका ट्रेड यूनियन के टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो ये आपका नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक सेपरेट आपका आइटम है इंडेक्स में। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट है वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, सो सेपरेटली इंडेक्स में गिवन है आपका वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। फिफ्थ है आपका एजुकेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो हम देख सकते हैं इंडेक्स में सेपरेटली मेंशन है एजुकेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। सिक्स पॉइंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो हमने देखा इंडस्ट्रियल रिलेशन इन पब्लिक एंटरप्राइजेस सेपरेटली गिवन है। देन आपका है एप्सिटीज एंड लेबर टर्नओवर इन इंडियन इंडस्ट्री एंड देयर कॉजेस एंड रेमेडीज, सो हमने देखा एप्सिटीज एंड लेबर टर्नओवर एक साथ दिया है। एंड सेवेंथ है आपका ILO और उसके फंक्शंस, जो कि ILO में कवर अप किए गए हैं। तो अगर आप साइमल्टेनियसली कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट एक एग्ज़ाम के साथ और भी कई एग्ज़ाम साथ में दे रहे होते हैं, तो उन्हें ये चाहिए कि भाई उनका मटेरियल भी मैचअप हो जाना चाहिए, या कोई और स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम को अपेयर कर रहे हैं एंड उन्हें वो मटेरियल देखना है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी ये जो सिलेबस का पार्ट है वो कम्प्लीटली इस बुक का कवरेज है, और ये पॉइंटर्स, ये इंडेक्स है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन बुक का। ठीक है, तो हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर वन का। तो नेक्स्ट जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है कि क्या ये बुक ऐसा तो नहीं कि सीधे एकदम टेढ़ी मेढ़ी भाषा और एक्सपर्ट लेवल की लैंग्वेज जो आपको समझ में ना है ऐसी लैंग्वेज में तो नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है, बेस से कवरेज है, और काफ़ी ईजी लैंग्वेज है। एक बार लैंग्वेज से भी कनेक्ट कराना चाहूँगी मैं, एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम एक बार एक दो लाइन का आप लैंग्वेज भी कनेक्ट करा दे, तो हम देख लेते हैं। The term industrial relation commonly denotes employer-employee relation in both organized and unorganized sector of an economy. Industrial relation is also known as labor management relation. Industrial relation are relation between employees, employers, related association and the government. It helps to examine the relationship between the management, worker and trade unions representing the firm's workforce. The term industrial relations comprises of two term, industry and relation. Industry refers to any productive activity in which an individual or a group of individuals is or are engaged. By relation, we mean that the relationships that exist within the industry between the employer and employees. तो ये लैंग्वेज आप आई होप अभी तो मैंने क्विकली रीड किया है, बट ये बस शो करने के लिए क्योंकि स्टूडेंट ने एक रिक्वेस्ट की थी, मुझे लगा कि डेफिनेटली उन्होंने अच्छा क्वेरी रेज किया है कि एक बार एक पैरा की भी हम रीडिंग कर ले तो उनको लैंग्वेज से कनेक्टिविटी पता चल जाएगी। तो ये आपकी जो है कैसी लैंग्वेज है, एक बार और कोशिश रहेगी तो मैं कनेक्ट कर दूँगी एक दो बार। जैसे फीचर्स पूछे हैं तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर दी आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, है ना। तो ऐसे और डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफिनीशन है, आप देख सकते हैं कई बार आपके एग्ज़ाम में स्कॉलर्स की डिफिनीशन दे दी जाती है और उसके बेसिस पे आपकी एक्सप्लेनेशन वगैरह पूछी जाती है या फीचर्स या नीड पूछा जाता है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस नहीं देखा है तो हमने हर एक सब्जेक्ट का
10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस ऑलरेडी कवर अप किया है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस ये भी कवर अप किया जा चुका है कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की एक अपनी स्ट्रैटेजी है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी रहता है अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपने जो है कैसे पढ़ना है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को, आप वो देख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने हमारे जो क्लासेस हैं उसको ज्वाइन किया है, तो टीम आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कराएगी डैशबोर्ड से, जहाँ पे आप अपने देख सकते हैं कि आपको ये समझना है कि कैसे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। फिर 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस है, फिर उसके बाद सिलेबस का एनालिसिस है, फिर उसके बाद बुक्स का कनेक्शन है। आपको ऐसे कनेक्ट करा दिया जाता है ताकि सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो और सारे के सारे टॉपिक कवरेज हो, क्योंकि हर एक टॉपिक पे जो है सेपरेट फोकस किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये देखा सारे ये ऑब्जेक्टिव वगैरह दिए हैं, इम्पोर्टेंस दिया है, कॉम्पोनेंट है आपका, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई गवर्नमेंट नेचर, तो आपके सिलेबस में क्या था एक बार मैं आपको कनेक्ट करना चाहूँगी। मीनिंग हमने देख ली, देन है नेचर, इम्पॉर्टेंट एंड स्कोप, तो इम्पॉर्टेंस भी हमने देख लिया, ठीक है, और उसके बाद नेचर है ये और ये स्कोप है। उसके अलावा थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज इसलिए दी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपने एक आपको आउट ऑफ बॉक्स रखना है ताकि आप जो है एक अच्छी आंसर राइटिंग कर सकें, है ना, तो इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हैं यहाँ पर कवर अप किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेस से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, आपको और रिलेवेंट प्लेसेस पे जो आपका जैसे एक्ट का यूज़ है तो उसे बोल्ड किया गया है, या स्कॉलर या ऑथर्स के वर्डिक्ट हैं तो उसे बोल्ड किया गया है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट का मेन फोकस जाए उन सारे एरियाज़ पे, है ना। तो ये भी मैंने आपको कनेक्ट करा दिया, ठीक है। अब बेनिफिट पूछते हैं तो स्पेसिफिक सेक्टर वाइज देखेंगे, वर्कर को क्या बेनिफिट हो रहा है, फिर मैनेजमेंट को क्या बेनिफिट हो रहा है, सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है ना, किसको थ्रेट्स है, कैसा थ्रेट्स है, क्या चैलेंजेस हैं, है ना, क्या फैक्टर्स हैं। तो आपको मैंने ये बेसिक ओवरव्यू करा दिया कि ये बुक कैसी है, सिलेबस से कनेक्ट करा दिया, बेस लेवल की लैंग्वेज से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। एक बार और लैंग्वेज अगर आपको देखना है तो मैं एडहॉक बेसिस पे कोई भी पेज खोल देती हूँ, ठीक है, पॉइंटर्स फॉर्म में नहीं, ताकि पैरा की जो रिक्वेस्ट की थी स्टूडेंट ने वो क्लियर हो जाए। एक ये हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट खुल गया है, उसमें एक पैरा हम देख लेते हैं, ये छोटा वाला, ठीक है, ताकि इसे या ऊपर देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड एज सच हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन नेशनल इंटीग्रेशन एज वेल। सम इम्पॉर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेड यूनियन आर प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग द नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इनकॉर्पोरेटिंग अ सेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग वर्कर एंड देयर बाय अचीविंग इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है। तो ये आपको लैंग्वेज का भी इससे आइडिया हो गया होगा, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि अपनी क्वेरी आप पूछा करें, ताकि आपकी क्वेरीज़ के थ्रू अगर कोई जो है मैक्सिमम बेनिफिट हो सके सारे स्टूडेंट को, तो हम वो प्रोवाइड कर सकें। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, ये हमारी लास्ट बुक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन की 10th बुक है, आपने देख लिया, और प्रॉपर स्पेस है हेडर एंड फूटर में, ठीक है, प्रॉपर स्पेस आपके हेडर फूटर में आप देख सकते हैं, हर जगह पे दिया हुआ है। तो अगर आपने कोई न्यूज़ रिलेटेड पॉइंटर्स लिखने हैं या सेल्फ रिवीजन के पॉइंटर्स लिखने हैं तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्लियर है, प्रॉपर स्पेस मार्जिन है, ठीक है, और इट्स अ कम्प्लीटली अगेन अ बुक, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स एंड स्कॉलर्स के एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे इंक्लूड किए गए हैं, आप उसे ओवरव्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी IR की बुक है, रिकॉग्निशन वगैरह, ट्रेड यूनियन का लॉकआउट वगैरह पे सेपरेटली, ठीक है, ये सारी कई चीज़ें कवर अप की गई हैं। तो ये आपका रहा इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक का मैंने जो प्रॉमिस किया था, इसी से हमने सारी 10 की 10 बुक्स को आपको आपसे कनेक्ट कर दिया है। अब आप इन बुक्स का ओवरव्यू कर सकते हैं, अपना एनालिसिस देख सकते हैं, ठीक है, और अपना डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो सपना है ना वो बहुत बड़ा है, एक सिविल सर्वेंट बनना, आप जो भी पोस्ट चाह रहे हों, IAS, IPS, IRS, IFS, जो भी पोस्ट चाह रहे हों, ये एक छोटी नई है। और टाइम मैनेजमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जनरली, और कई बार स्टूडेंट क्या है बुक्स कलेक्ट करते रहते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ये बुक आपने तभी लेनी है जब आप कॉन्फिडेंट फील करो और अपनी 100% एनर्जी इसमें पुट करो,
ठीक है, आपको 100% आपको इस पर फोकस करना है अगर आपने बुक बाय की है, और 100% एनर्जी पुट करनी है। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं सेशन के थ्रू आपको अपडेट करना चाहूँगी कि हमारी कोशिश है कि हम एक ट्री डायग्राम टाइप्स प्रोवाइड करेंगे। कब लेकर के आएंगे अभी वो मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं दूंगी। अगर आपका एग्ज़ाम नियरेस्ट होगा तो हमारी कोशिश रहेगी कि टीम आपको ईमेल और यूट्यूब के वीडियो चैनल के थ्रू, हम सारे स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमसे जुड़ चुके हैं तो आप सारे सोशल मीडिया में इनएक्टिव होके 100% फोकस यूपीएससी पे लगाएंगे, अपनी प्रिपरेशन पे लगाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, और सिर्फ ईमेल के थ्रू आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, और यूट्यूब का जो यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का प्लेलिस्ट है बस। बाकी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको ऑफलाइन होना है। आप हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं तो टीम आपके लिए एक्टिवली अवेलेबल है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे। पहला प्रायोरिटी आप व्हाट्सएप देंगे क्योंकि वहाँ पे हमारी एक्टिव टीम मेंबर्स हैं और दे आर पेड मेंबर एंड दे विल हेल्प यू, है ना। तो और सोशल मीडिया में आपको एक्टिव नहीं रहना है, पूरा पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर आपने न्यूज़ अपडेट्स के लिए ऑप्ट किया है तो न्यूज़ अपडेट्स भी हर महीने आपको ईमेल के फॉर्म में मिल जाएगी। एनसीईआरटी का कवरेज हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर अप कराएंगी। तो मैंने आपको बोला कि ट्री डायग्राम की मैंने बात करी, तो जब भी होगा इससे रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट होगी या हम अगर कोई लाइव सेशन कर लें और आपका एग्ज़ाम नियर है और हम प्रोग्रेस में नहीं हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि सारे स्टूडेंट जिन्होंने बुक बाय की उन्हें कनेक्ट करें और एक लाइव सेशन कंडक्ट करें जहाँ पे इंटरेक्टिवली मैं उन्हें शेयर कर सकूं कि उन्हें ये ट्री डायग्राम कैसे बनाना है ताकि उससे वो मैक्सिमम सपोर्ट लेकर के अपने एग्जामिनेशन में भी एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था आईआर का, और मैंने आपको एक पॉइंट बताया ट्री डायग्राम को लेके। सेकंड जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो वीडियो क्लासेस वगैरह के लिए एक सप्लीमेंट्री नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं दे आर बुक। सप्लीमेंट्री नोट्स जो है आपके एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है, वो बुक्स के अलावा हैं और वो केवल वीडियो क्लासेस के साथ हैं। वो भी एक क्वेरी आई थी एक स्टूडेंट की, ठीक है, तो वो बुक्स नहीं है, वो वीडियो के अलावा और सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन। हाँ, तो उसमें जो वीडियो क्लासेस में बोला जाता है वो आपको लिखने ना पड़े, आप लिखने पे अपना समय ना बिताएं, कई चीज़ें वो इंक्लूड की गई हैं, और आपकी इमेज लर्निंग वहाँ पे इंक्लूड की गई है, बर्ड आई व्यू वहाँ पे इंक्लूड किया गया है, शॉर्ट कोट्स यूज़ किए गए हैं। तो सप्लीमेंट्री सपोर्ट इज़ अ नॉट अ बुक एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये मैंने आपने जो दो इंपॉर्टेंट क्वेरी स्टूडेंट्स ने रेज की थी कि मैम एक पैरा रीड करा के लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराइए, और दूसरा सप्लीमेंट्री नोट्स और बुक में क्या डिफरेंस है, और कोशिश रहेगी तो मैं उसका एक डिटेल ओवरव्यू भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया कि सप्लीमेंट्री में आपका जो है वीडियो क्लास के दौरान में नोट्स ना बनाना पड़े, उसमें समय आप ना गंवाएं, उसका जो है वैल्यू एडिशन है, वहाँ पे इमेज लर्निंग है और बर्ड आई व्यू, काफ़ी इमेजेस जो पीडीएफ वगैरह आपको शेयर किए, प्लस एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फोल्डर्स, ठीक है, वो सेपरेटली, वो वीडियो क्लासेस के साथ ही हैं केवल, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन, और इसके साथ मैं वाइंड अप करूँगी हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि मैं बुक्स से आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ, हमने ये सारी बुक्स कवर अप कर ली हैं। सो आई होप आई हेल्प यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी अनआंसर्ड रहती है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड, और अगर आपको इस ग्रुप में जुड़ना है द मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल, तो आपने 100% कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ना है और सिर्फ फिर हार्डवर्क पे फोकस करना है। हमसे जितनी पॉसिबल सपोर्ट हो सकेगा हम डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ ईमेल और यूट्यूब प्लेलिस्ट कॉमर्स ऑप्शनल के साथ जुड़े रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।